अभिमान और अहंकार, ये तीनों सुनने में एक जैसे लगते हैं, परंतु तीनों का अर्थ भिन्न होता है और परिणाम भी। तीनों का आरंभ प्रेम से होता है, स्वयं से प्रेम। परिश्रम हमारे मन में गर्व को जन्म देता है और सफलता अभिमान जगाती है। यहां तक ठीक है, परंतु जब ये भावना अहंकार बन जाती है तब वो समस्या बन जाती है, क्योंकि सबसे बुरा अंत अहंकारी का ही होता है। परंतु मनुष्य के लिए पहेली यही है कि पहचाना कैसे जाए कि अहंकार जग गया है और उसका दमन आवश्यक है। इसका उत्तर मैं नहीं, आपका मन देगा। जब तक आप स्वयं से प्रसन्न हैं, जब तक आप सबसे ऊंचा उठने का प्रयास कर रहे हैं, तब तक ठीक है। परंतु जब आपके मन में दूसरों को नीचा समझने का भाव आ जाए तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यही अहंकार है जो वास्तव में आपको हीन कर रहा है। क्षमा कीजिए केशव, कि मैं आपके इस निमंत्रण को अस्वीकार कर रहा हूं। अब वासुदेव, अंगराज थोड़े भावुक हो गए हैं, परंतु आप निश्चिंत रहिए, हस्तिनापुर इस यज्ञ में अवश्य सम्मिलित होगा। मुझे आपके आगमन की प्रतीक्षा रहेगी गांधार नरेश। और आपके मित्रों की भी। बुआ, बहुत लंबी यात्रा से आया हूं, भूख लगी है। भ्राता भीम ने मुझे बताया था कि आप राजभोग और खीर बड़ी स्वादिष्ट बनाती हैं। भोजन नहीं कराएंगी? आनंद आ गया बुआ। मार्ग में बहुत थक गया था बुआ, परंतु इतना स्वादिष्ट भोजन करके मानो जैसे मेरी थकान कहीं उड़ गई हो। और ये खीर, ये खीर तो बहुत ही स्वादिष्ट है बुआ। क्या हुआ बुआ, आप प्रसन्न नहीं है? आपके पुत्र राजसूय यज्ञ करने जा रहे हैं, आप अपने पांचों पुत्र से मिलने वाली हैं बुआ, आपको तो परम आनंदित होना चाहिए। हाँ कृष्ण, सेकी तो के मेरा ज्येष्ठ पुत्र प्रायोजन में सम्मिलित नहीं हो पाएगा। काना, ऐसा क्या है जो तुम्हारे बस में नहीं? क्या तुम कर्ण को इंद्रप्रस्थ ले आ सकते हो? मैंने तो छाज का ऋण भी उतारा है बुआ। और आपने इतनी मीठी खीर खिलाई है,
तो प्रयास अवश्य करूंगा कि इसका ऋण भी उतार सकूं। आपका ज्येष्ठ पुत्र अपने पांचों अनुजों के साथ इस राजसूय यज्ञ के आयोजन में सम्मिलित हो सके। ऐसे आघात शत्रु पर उचित है महाबली? बेचारी लकड़ी को पीड़ा क्यों दे रहे? क्योंकि मैं अपने शत्रु पर आघात नहीं कर सकता, इसलिए मैं अपना शोभ इन लकड़ियों पर निकाल रहा हूं। इस समय शत्रुओं की नहीं, मित्रों की सोचो। में जब दुर्योधन इंद्रप्रस्थ आने को प्रस्तुत है, तो तुमने आपत्ति क्यों जताई अंगराज? आपत्ति अंगराज को नहीं, उस सूत पुत्र को है जो परिवर्तन चाहता है और जो युधिष्ठिर की नीति का विरोधी है। इसलिए युधिष्ठिर के आयोजन में सम्मिलित होना मेरे मन को स्वीकार नहीं। मन की सुनना अच्छी बात है अंगराज, परंतु जो वचन दिया उसका क्या? पांडवों की अनुपस्थिति में बुआ कुंती की रक्षा करने का वचन तुमने स्वयं को ही दिया था ना, वो नहीं निभाओगे? मैंने तो बस तुम्हें तुम्हारा वचन स्मरण करवाया है अंगराज, उसे निभाना है या नहीं ये तुम्हारा निर्णय है। चूंकि मनुष्य का भविष्य उसके चयन पर निर्भर है, रथ रोको। मित्रकर्ण, हम यहां क्यों रुके? हम इंद्रप्रस्थ की सीमा पर खड़े हैं। ये है इंद्रप्रस्थ जिसकी प्रशंसा करते करते उस वासुदेव की जीवा थक नहीं रही थी। सुना है कि इंद्रलोक से भी अधिक सुंदर है ये इंद्रप्रस्थ। कैसा इंद्रलोक! ऐसा प्रतीत होता है कि दरिद्र लोक में पहुंच गए हैं हम। और हाँ, वैसे भी जो सारा जीवन वन में व्यतीत करते आए हैं, उनसे इससे अधिक अपेक्षा क्या की जा सकती? अब तो हस्तिनापुर संदेश भिजवा कर गुप्तचरों को ही बुलाना होगा कि वो जाकर खोजें कि किस गुफा में पांडवों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया है। चलो मेरे होने वाले सम्राट, चलो लौट चलते हैं। महाराज को भी इंद्रप्रस्थ की भव्यता के विषय में
सुंदरता के विषय में पता चलना चाहिए ना। आओ। रुकिए गांधार नरेश। आप तो गांधार के राजा हैं ना, तो क्या आपको यह नहीं पता कि इंद्रप्रस्थ को देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा ने बनाया है? कुछ तो दिव्य बनाया होगा ना। तुम्हारा तात्पर्य क्या है मित्र? हो रहा इंद्रप्रस्थ मित्र, प्रकार तुम सब प्रगति करते रहो पुत्र। धन्यवाद मित्र, बुआ को अपने साथ लाने के लिए। धन्यवाद स्वीकार नहीं कर सकता वासुदेव, मैं यहाँ केवल अपना वचन निभाने आया हूँ। कारण कुछ भी हो मित्र, परंतु इस समय तुम पांडवों के अतिथि बन ही गए, अब सत्कार तो स्वीकारना पड़ेगा ही। स्वागत है अंगराज। इंद्रप्रस्थ आपका अभिवादन करता है। स्वीकार नहीं कर सकता देवी, किंतु आप अतिथि हैं, आपका स्वागत अनिवार्य है अंगराज। अतिथि तो मैं पंचाल में भी था जब उस दिन सूत पुत्र कहकर अपमान किया, तो आज अंगराज कहकर यह सम्मान क्यों? क्योंकि उस दिन आप अनामंत्रित थे, परंतु आज आप निमंत्रण पर आए। राजकुल की परंपरा कदाचित मैं कभी नहीं समझ पाऊंगा। आप सब जब चाहे नियम तोड़ मरोड़ लेते हैं, परंतु एक योद्धा के लिए एक नियम कभी नहीं बदलता, कि वो ना कभी हार स्वीकारता है और ना अपमान। वैसे भी मेरी दृष्टि में युधिष्ठिर युवराज दुर्योधन से श्रेष्ठ शासक नहीं है। परंतु एक शासक, ये तो अपना अपना दृष्टिकोण है अंगराज। अति सुंदर।
महान विभूतियों का जमघट लगा हुआ है यहां पर। एक ये जो बचपन से दान में अधिकार मांगता आया, और ये बचपन से ही सब कुछ छल से चुराता आया, और उसके उपरोक्त ये महान पांडव इस हीन को अतिथि मानकर इसका आदर सत्कार कर रहे हैं। सावधान चंदू नरेश, शांत हो जाओ विकोदर। इस समय छेदी नरेश शिशुपाल आपके अतिथि हैं, और अतिथि अतिथि का अपमान करे तो ये राजसूय यज्ञ के फल को निष्फल कर सकता है। परंतु स्मरण रहे शिशुपाल, मैं अतिथि के बंधन में नहीं बंधा हुआ हूं। परंतु मैं छेदी नरेश शिशुपाल सभी बंधनों से मुक्त हूं। तेरे अतिरिक्त मेरा कोई वध नहीं कर सकता। अपने मामा का वध करने वाला रणछोड़ थोड़े बंधन में तो तू बंधा हुआ है। जब तक इस माला में मोती शेष हैं, तू भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पूरे 100 मोती हैं। चलिए चोर, नहीं शिशुपाल, अब केवल 99 रह गए, और जैसे ही ये सारे मोती समाप्त हुए, तुम्हारे 100 अपराध भी पूरे हो जाएंगे और समाप्त भी। ऐसा अवसर मैं तुझे नहीं दूंगा। स्त्रियों के वस्त्र चुराने वाले शिशुपाल, वरदान यह है कि तुम्हारा कोई वध नहीं कर सकता, परंतु मर्यादा का उल्लंघन किया तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा वध करने वाले को भी तुम पर दया आ जाए। अंगराज, हम यहां पांडवों के आनंद में आए हैं, यहां कोई उत्पात उचित नहीं होगा। स्वागत स्वीकार करो शिशुपाल। एक पुरुष को 100 पत्नियां संतुष्ट नहीं कर सकती, और तुम अकेली ने 5-5 को संतुष्ट कर दिया। अद्भुत। संतोष मनुष्य की शील में होता है, और शील मनुष्य की दृष्टि में। अपनी दृष्टि सीधी कर लीजिए। वो क्या है ना, टीका टेढ़ा हो जाएगा। देख रहे हो मेरे होने वाले सम्राट? अब आएगा यहां आनंद। ना हींग लगेगी ना हल्दी, परंतु रंग बहुत सुंदर जमेगा। इस मूर्ख शिशुपाल का अहंकार और द्रौपदी का दर्द आपस में टकराएंगे।
और भंग होगा पांडवों का यज्ञ।